Assalamualaikum everyone, welcome to our new vlog, welcome to Sair Hayat YouTube channel and Sammy's YouTube channel. अभी मैं आऊँ सहर के घर because आज हमें कुछ दोस्तों की help करनी है because वो घर shift कर रहे हैं, तो मैं और सहर करेंगे आज उनकी help और उसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ सहर क्या करें। मेरी सहर ने अभी अभी लिए हैं कुछ ख़ास किस्म के चने और वो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे चने हैं। ये देखें जी, ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू चने हैं। मैं क्यों खाऊंगा? हाँ मैं तो खाता ही नहीं, मेरा गला खराब हो जाता है। मैंने अंकल को कह दिया रोज रोज आया करें। रोज आया करें तो रोज लिया करेंगी अभी चने, रोज खाएंगी अब, यही खाया करेंगी अब। देखो ये इससे वेट लूज होता है ना मां। आंटी नाश्ता वगैरह बनाना छोड़ दें, अब से ये चने ही खाया करेंगी सिर्फ। नहीं नहीं वो अंडे। बट आप जब मैं उस दिन चने कर था आप कहती घोड़े खाते हैं चने, तो आज क्या? कौन से वाले चने भला? जब मैं उसने ब्लैक चने वो पठान से लेके ऐसे गरम गरम खाता है, ये वाले नहीं खाता मेरी जान, ये वही ब्लैक चने है ना, उसको चाट मसाला तो चाट मसाला डाले तो इंसान खाएंगे और खुश खो तो घोड़े। वाह 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 वाह, देख लें जी कितनी ज्यादा ये, मतलब मैं खाऊं जब वो पठान से लेके चने तो वो घोड़ा खाता है और ये खाएं तो जी इंसान खाते हैं चाट मसाला डाल के। वाह, हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम? सिमी के पास। ऐसे कौन जाता है? हम सिमी के पास जा रहे हैं। सिमी के पास करने जा रहे हैं? मैम ने आपकी कहा था ना ये बंदा नहीं सही। आंटी मैं सही नहीं हूँ? सही हो बस सही हो। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सही हो, वो मुझे कल बुरा नहीं कहती। उन्होंने कहा बस वो कह रही है कि मुझे बताना था कि कहना सही हो। ऐसा ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा, आप लोगों ने सुना है वो कह रहे बिल्कुल सही हो। सोनिया क्या कह रहे हैं आप इन्हें? बिल्कुल यही कहना बिल्कुल सही हूँ। ये झूठ बोलती है, बस ये आप लोगों को लास्ट लोग पता लगे ना सोनिया झूठ बोलती है, ये बिल्कुल सच नहीं बोल रही। रमजान आप बताओ, उन्होंने बोला ना सही हूँ मैं? वे? यार ये सब इनके साथ मिले हैं, ये मिली हुई पार्टी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन सहमियंस जो है वो मेरा साथ देंगे, ठीक है वो जानते हैं मैं अच्छा हूँ, तारीफ करेंगे मैं मेरी। खरीद ली आंख मार के सबको। अच्छा तो चने तो चखा दे मुझे थोड़े से, मैं नहीं खाना। अरे एक बाइट वैसे मेरे मुंह में, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो प्याज वगैरह बचे थे जनाब, में ड्राइविंग भी खुद करनी है और चने भी खाने हैं और पानी भी सोनिया ले आई है। सोनिया जी, ये पानी है? हाँ जी भाई। नहीं जाने से रही है। ये कौन सी बात थी? नजर नहीं आ रहा पानी है। नहीं ये क्या होता है, ये हर बार ऐसे 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 क्यों करती हैं आप? भी तो करते हो। तो ये तो मेरा स्टाइल, आप कॉपी क्यों करती हैं मुझे? मेरा स्टाइल है। आप मुझे कॉपी क्यों करती हैं? मिसेस समी और सहरियात कॉपी क्यों करती हैं आप समी रशीद को? बता दे बता दे बता दे। मैं आपको कॉपी कर सकती हूँ? हाँ जी। मैं आपको कैसे कॉपी करूँ? ठीक हूँ समी, वो तो कॉपी भी नहीं करता मैं। बहुत आपने थोड़ी आप नेचुरल बोल रहे हो। ये देखे इसको कुछ ज्यादा ही सियारी है, देखे ये मेरे साथ है ना रमजान, मेरे साथ हो ना, उसको नहीं हंसी आ रही। हर किसी को खरीद लेती है, हर किसी को खरीद लेती है रमजान, मेरे साथ नहीं हो बस ठीक कट्टी, आज के बाद नहीं होगा दोनों। मैं साथ हो गाइस, मैं कोई चीज ढूंढता हूँ जो मेरे साथ हो। हेलो कोई है जो मेरे साथ हो? यार ये मजदूर भाई वो तो मुझे मुंह भी नहीं लगा रहे, वो नहीं मुझे मुंह लगा रहे। अल्लाह गाइस, ये है हमारी कौन है निकी, मैं आपको बोला था ये निकी आई है ना पूरी। इनका हमने सामान भी यहाँ रख दिया और साथ इनको भी रख दिया, इनके घर वाले इनको बाकी सामान आ रहा है, बाकी सामान उसमें आ रहा है और इनको हमने बड़ा अब अगर बैठ नहीं सकती लेट जाए। लेकिन तुम मानती कि तू निकी है, इधर आई है ना पूरी गाइस, पीछे पूरी एलईडी पड़ी है और वो पड़ा है लोगो पड़ा है, लेकिन फिर भी ये बैठ नहीं पूरी आ गई, फिर भी जगह है और जगह है, लेट सकती है प्रॉपर। इतनी निकी है, छोटी होने के फायदे हैं बहुत ज्यादा, नुकसान भी है, जेब में भी आ सकती थी लेकिन हमने रखी नहीं। तो जी हम लोग आ गए हैं, किसका सामान लेके? निकी का सामान लेके हम लोग। निकी खुद इतनी नहीं जितना इसका सामान, इतना सामान है और निकी ने माशाल्लाह बहुत प्यारा घर ले लिया, अब इसको सेट करना है। ये निकी तो शॉपर में भी आ जाती है। मैंने इसी में रहना, वो निशात की। इनका शॉपर किधर है भला? ये पड़ा है इनका शॉपर गाइस, ये शॉपर में लेके आए हैं। निकी इसके अंदर भी आ सकती है बाय द वे। हां किसके अंदर? इसके अंदर ड्रॉअर के अंदर। हां इसी के अंदर इनका बेड लगाना है हमने। हां आपका बेड कितना छोटा? पैंपर का है। गाइज इसके अंदर निकी का जो है ना, हम लोगों ने इसको खोल के छोटा बेड लिया वो। ओके सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने निकी का मतलब वो सोने का इंतजाम करना है, इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे छोटा बेड आएगा और निकी यहाँ सोया करेंगी। काके निकी का बेड किधर है? ड्रॉअर के अंदर। यार मैं जा रहा हूँ निकी को हम बेड गिफ्ट करते हैं। नहीं नहीं ड्रॉअर है उधर।
क्या क्या मैंने देखा आपके घर वो डॉल हाउस पड़ा बस छोटा सा उसमें था कोई नहीं उसपे साथ मतलब इन फ्यूचर बच्चे मियाँ जी सब उसपे सो जाया करेंगे वो लेके देंगे ठीक है। अगर एक लड़का सुगड़ हो जाए तो ऐसे जाएगा आंटी टोपी शोपी लेके ओके सॉरी सासू माँ के हैं आप हमारी बेटी लीजिए ना ये हो रही है खातिर दादी बताएं प्लीज कैसा अगर आपने बुरा कहा तो आपको पता है उठा लेंगे आपको चपेटे भी मारेंगे हम बाल आप क्या क्या रहे हैं आपको खाना नहीं आता नीचे क्यों गिरा रही है मुंह टूटा होगा नमक कम है मिर्ची ज्यादा है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं नहीं मार दिल रखने के लिए खा लूंगी ये ठकुराइन मारेगी तुझे मैं तुझे बता रही हूँ दिल रखने के हमारा दिल रखने के लिए अपना पेट रखने के लिए अभी मैं आपको इसके बाद खाली डोंगा भी दिखाऊंगा धोने की जरूरत नहीं है ये तो होने वाला है स्टार्ट और ये जो दो बहने हैं ना ये ईशा की बहनी है और ईशा भी ये जो दो बहने ये किसी अलग इवेंट के लिए तैयार हो गए हैं ओ आपका बर्थडे कब है तो आज तो 31st है ना तो पहले सेलिब्रेट करना है तो ये क्या साइको है यार मैं बेवकूफों के खानदान में फंसा हुआ मेरी बर्थडे के अलावा सारी बर्थडे होती है है ना एक और डाइन आ गई है हाय तीन डाइन भी बैठी हैं पूरे ब्लॉग में ये सेट ही नहीं हुई होती थ्री इडियट्स इन अ फ्रेम यस आई एम ब्यूटीफुल ओह माय गॉड तुम लोग की माँ की पिक्चर लगी हुई ऊपर तुम्हारा बर्थडे कब है माय बर्थडे माय बर्थडे वही कट करूंगी टेंशन ना ले तेरी ऐसे की तैसी एक्स्ट्रा चाहिए था एक बार बड़ी होती हूँ कौन है आप लोग मैं आप लोग को नहीं जानती मैं आपको नहीं जानती मेरा व्लॉग नहीं है जो पिछले 5 साल से 22 की हैं ओके देखिए ये लोग तो बसूज है ही है सबसे बड़ा बसूज अस्तगफिरुल्लाह हेलो गाइस शरफ हयात ही आके पड़ गया किस चीज को बैठ को भाई मुझे नींद आ रही है ये लाश यहाँ से पता नहीं कब उठेगी बाहर मुझे नींद आ रही है ये चीज का क्या करना है यार कलमा शहादत अल्लाह क्या करना है इसका निकाल दो ये ले मैं तैयार हूँ आप तैयार नहीं अभी तक बाल बना रहे हैं बिकॉज मैं मजदूरी कर रहा था ना सारे दिन से कौन सी मजदूरी फ्रिज उठाई मैंने और बाकी छोटा छोटा सामान नहीं नहीं आज हमने पता कितने की इतनी मजदूरी है ये आपकी बहन आपको बातें लगा रही है और आपके लिए वो भी लेके आई सी वो तो कह रही है उससे पहले मैंने बहन मानना है लोगों को बता दें आपकी बहन नहीं है ये हां जी हां जी मैं सिर्फ देख रहा हूं कितने चाहिए नहीं नहीं बहन नहीं मेरी बहन बहन हूँ मैं समीर भाई के उन्होंने मुझसे बोल दिया मैं बहन हूँ समीर से लोग सवाल पूछ रहे थे क्या कि बुशरा जो आपकी बहन है आप लोग कितने बहन तो मैंने फिर उसने भी बताया कि हम भाई दो ही हैं सिर्फ लेकिन बहन तो वैसे सगी बहन नहीं है मुंह वाली बहन है वाली बहन है और मैं सगी बहनों की तरह यस yes. और इसको इसलिए इसको कोई दूध पिलाई नहीं मिल रही यस वो बहन कोई बात नहीं दूध पिलाई ये वो वाली बहन है दूध पिलाई वाली मैं कह रही हूं नहीं मैं कह ये वो वाली बहन है ना मेरी दूध पिलाई वाली ये 10 सालियां होती है ना ये मुझे बहन ने देगी पैसे जो दूध पिलाई होगी ना वो मैं पहली बहनों को समझाया हुआ अपनी वो साइड में मेरे बैग में रखनी है ठीक वो साइड वो किस साइड में तुमने बैग रखना है भाई जी बैग उठाना है तुम लोग मकार हो मैं तुम लोग भी यकीन नहीं करूंगी यार पहले हमने एक मिनट रुको रुको पहले हमने लेके आए एक मिनट रुको जितनी मुंह दिखाई होती है दूध पिलाई मुझे मिलेगी ना समझ आई फैसल भाई की तरफ से उतनी तुम्हें मिल जाएगी हाँ जी पहले मैं देखूंगी ना मुझे क्या रिस्पॉन्स पहले शादी करा पहले रिस्पॉन्स देखूंगी उसके बाद बताऊंगी कि दूध पिलाई किसको मिलनी चाहिए तुम तो चुप कर रहे देखो मैं अपने मियाँ जी का ज्यादा खर्चा नहीं होने दूंगी और बात सुनो दूध पिलाई की बात सुनो मैं
अब मैं अपने मियाँ जी का फुल खर्चा आने दूंगी क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लगा सकते हैं। और मेरे मियाँ जी की बहन भी बहुत रिच है, हम बहन भी कर लेंगे। ठीक है, अब डन। बेटा के पैसों से मतलब है रिच लगने से नहीं। चलो मैं अब बात सुनो, अगर तू अपने मियाँ जी के पैसे नहीं लगने देगी तो मसला नहीं है, देख तुमसे ही चलेगी लड़ी। ठीक है, सबसे पहले तेरी रुक से थी, तेरे से लड़ी जा, जैसे ईशा करेगी वही हम सब करेंगे। ठीक है बहनों, ओके फौजियो, तू उसे छुट्टी कर ले। पहले हम लेंगे दादा, फिर हम लेंगे वहां से, फिर हम लेंगे इधर से। मैं तो बहुत अमीर हूं, वैसे सबसे अमीर ही है। लेकिन मजेदार बात यह है, जब ईमान की शादी होगी ना तो लोग सब ज़हन में रखना कितना कितना करेंगे। एक और बात, मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मैं बुशरा का अंदाजा लगाऊंगी, सबसे पहले बुशरा का निकाह, इसका अंदाजा लगाऊंगी ये कितनी देती है दूध पिलाई मुझे, इसका तो निकाह है ना। तू ही फंसेगी, ईशा ने सिखाना है सबको, तू ही बलि का बकरा है। हमारे में ये रस्म नहीं है, हमारे में ऐसी रस्में नहीं, हम यार मानते हैं ये, लेकिन हमने लेने वाली रस्में पाई जाती है, देते कुछ नहीं। सड़ियल पे इसकी बनाया हुआ है, सड़ियल नहीं, केक खुले हैं, सबके फोन खुल गए। स्टॉक टॉक 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 स्टोरी 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 और आपके चाह रहे हैं फोरन काट के आपको नहीं देखे? मैं इतना खाता ही नहीं हूँ केक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो नया साल है आपके साथ, वो मैं उसको एक मोमेंट को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूं। ओके, तो आप आ जाएं। हम तो इसके साथ कोई मोमेंट सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप लोग जाएं। आप लोग अगले साल आना। हाँ, इंटरेस्टेड नहीं है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अगले साल अगले साल घर अच्छा, में तीन वॉशरूम है। बेटा हमने अभी मैंने अपनी बेगम के साथ और अपनी बहनों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, बिकॉज हम लोग बाहर जाना ज्यादा अच्छा नहीं हमें लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग घर सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और मेरी एक छोटी सी बहन ईमान, इसका हैप्पी बर्थडे भी है, ये केक भी साथ है, सो हैप्पी बर्थडे ईमान। चलो केक काटते हैं। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Iman, happy birthday to you, happy new year। ओह बेटा, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। क्या बोला अभी आप दोनों ने एक दूसरे को? उसके बाद यार तुम लोग बाद आ जाओ, लव यू लव यू मोर बेगम, आई लव यू मोर। तो ये हर किसी को लव यू मोर, उसको भी लव यू मोर, उसको भी लव यू मोर, बुशरा को भी लव यू मोर, तो लव यू मोर मुझे कहने, लव यू टू, लव यू मोर मेरे लिए ना, हाँ नहीं लव यू फॉरएवर आप लोगों के लिए भी, बट लव यू मोर सिर्फ मेरे लिए, हाँ इनके लिए। चलो केक दो यार, वैसे पता नहीं आज ये भी केक मुझे रसमलाई टाइप टेस्ट दे रहा है, लेकिन अच्छा दे रहा है।
थ्री मिल्क सेम है ये, थ्री मिल्क केक है तो इसमें कितने मिल्क है? क्या दी थी? सॉक्स। क्या दी थी, किसने दी थी? आपकी मामा है मीजे। और किसके पास है? माँ जी के पास। अच्छा जी जी, आपके सिर्फ हाथ। तो गाइस हम लोग आए हैं अम्मा के साथ स्पेशली हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपना। इनकी तो इनको भी दिखाएं, ये मेरी मामा के हमसे ज्यादा ये वाले औलाद। यस सोनिया एंड रमजान। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मां मैं सिद्दीक के जाऊं गलत केक काटा। केक टेस्टी लग रहा है मुझे ये वाला। आप देख सकते हैं ये लड़की बैठी है जो भाई बन, भाई नहीं सॉरी, जो बहन बनती है समी की। अभी केक कटिंग के कुछ ही देर बाद कह रही मैं जा रही हूँ, सिर्फ केक लाई थी, कटिंग करानी थी कि मैं खा के जाऊँ, जो मैं केक लेकर आई हूँ। जैसे खाया तो कह रही मैं जा रही हूँ, क्या करना समी इसका? इनका ये करना है कि इनको नहीं जाने देना। यार आप कौन सी बहन है, सिर्फ केक लेके आई थी? हाँ भाई बहन केक लेकर आती है तो टाइम भी तो दे। फिर आ गई धूप, तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। न्यू ईयर कार्टून नहीं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? ये खुशबख्त बैठी है। गाइस मैं सुबह से शिफ्टिंग कर रही हूं। हां दादा मेरी हेल्प कर, यहां पे देखो नए साल का आगाज हेल्प से किया, तुम भी मेरी हेल्प कर। हां ठीक है कर दो। हां वैसे हमने अब मेरी हेल्प करो मुझे नहला। बट यार सिमी बहुत ज्यादा थकी हुई है, बट हम लोगों ने आके शावर ले ली है। मूवी तो देखेगी बट लोग ये ना कहेंगे सिमी नहाई क्यों नहीं है, सुबह से एक कपड़ों में देख रहे हैं, न्यू ईयर क्यों ऐसा हो गया। तो हम लोग बताना चाह रहे हैं क्योंकि सिमी ने किया घर शिफ्ट और इसीलिए वो इस वक्त शिफ्टिंग वाली लड़की लग रही है। सामान शिफ्ट किया क्या कि चले गुड बाय कहें और बताओ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। या बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें। 300 मेरे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ओए होए होए क्यों? देखिए अगर 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, मैं यार ऐसे नहीं कह रही, मेरे दिल करता मैं हाथ रख दूं। जी जी रखें। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना फिर हम आपको, आप बताएं फिर हम आप लोगों को देंगे एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज व्लॉग। ओके ओके व्लॉग देंगे जिसमें हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हाँ और उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें आप जो चाहे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके आप लोगों के हम लोग आंसर्स करें। और स्पेशली वो होगा हम सब के सहरियन सहमियन सब लोगों के लिए। थैंक यू गाइज फॉर लविंग सो मच आर ब्लॉग और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। बाय बाय।